नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो में आप सभी के साथ 8 ऐसे स्टॉक्स जो इस समय एक्शन में चल रहे हैं, इनफैक्ट आज बड़े एक्शन में आए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। और 2 सेक्टर जो आज बड़े एक्शन में थे, यानी कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आज की बड़ी थीम जो थी उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। पहले आपको सीक्वेंस से स्टॉक्स के नाम बता देता हूं ताकि आपको जिसमें इंटरेस्ट हो डायरेक्टली स्किप कीजिए, उस स्टॉक के बारे में जानिए और वीडियो को लीव कीजिए, आपका भी टाइम बच जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो सारे स्टॉक सारे सेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। बड़ी चीज़ें दिख रही हैं इस स्टॉक के लिए और डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी आज दिन के दौरान बना चुका हूँ, अगर आपने वो देखी है तो फिर ये पार्ट जरूर स्किप कर दीजिएगा। सेकेंड है मजगांव डॉक, थर्ड है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि, फोर्थ आपका है गार्डन रीच शिप बिल्डर, फिफ्थ आपका है इंडिया सीमेंट, देन CDSL, देन मोतीलाल ओसवाल एंड देन आपका JBM ऑटो। ये तो हैं 8 के 8 स्टॉक्स 2 सेक्टर में, एक है आपका IT सेक्टर एंड दूसरा है आपका मोटर पंप सोलर पंप वाले स्टॉक, यानी कि 4 स्टॉक हैं पंप स्टॉक्स जिनमें बड़ी खबर थी, बड़ा एक्शन हो गया और इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो आज आपके लिए बनाई थी। तो सबसे पहले शुरू करूंगा मैं दोनों ही सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस से स्टॉक्स पे आएंगे। पहले IT पे आते हैं दोस्तों। आज तूफानी रफ्तार से भागा, अभी तक IT में क्या हो रहा है, एक दिन तेजी, फिर थोड़ी गिरावट, साइडवे चला जाता है, सब भूल जाते हैं, फिर अचानक से बड़ी तेजी। लेकिन इस बीच में जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि स्टॉक्स लोस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हाईस को ब्रेक कर रहे हैं। आज मैंने दिन के दौरान एक स्टॉक भी डिस्कस किया था, बिरला सॉफ्ट, की टेक्निकल टर्म्स में बहुत स्ट्रांग हो रहा है, 680 तक की इसमें जर्नी दिखने लगी है, ऐसा लगता है कि 780 जाएगा, 680 से चलना शुरू हुआ है, 717 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है स्टॉक की, वॉल्यूम्स लगभग 3 times ट्रेड हुए हैं जो एवरेज वॉल्यूम है उसके सामने। तो आप देखो ये स्टॉक लास्ट रैली में 700 चला, फिर 680 आया, अभी 723 का हाई लगाया आज। तो इसी प्रकार अगर हम नोटिस करें बाकी के IT में भी, तो ये हाईस को ब्रेक कर रहे हैं, लोस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो पूरा IT एक मेरे को लगता है फ्लेवर में रह सकता है, स्पेशली TCS के नंबर्स तक तो कम से कम, उसके बाद TCS के अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो फिर वो एडिशनल मूव आएगा, बड़ी तेजी आएगी 11 जुलाई तक, यानी कि IT स्टॉक्स फ्लेवर में रह सकते हैं। तो इनमें कृपया करके नजर बना के रखिए और पोजीशंस में बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए सुपर बुलिश हो जाइए, शायद अब IT का ही समय आने वाला है, लेट्स सी। सेकेंड है आपका पंप स्टॉक, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 4200 करोड़ रुपए खर्च करेगी, इसी के चलते स्टॉक भागे हैं, रोटो पंप, शक्ति पंप, KSB लिमिटेड एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स, चारों स्टॉक वीकेंड के दौरान 2 दिन सैटरडे संडे अलग अलग वीडियो बनाई, आराम से आपको समझाया, आज आपने एक्शन भी देख लिया है, गिरावट होगी ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए, थोड़ा बहुत आप चाहो तो ले सकते हो किसी भी डिप में, आज तो नहीं मिली डिप, शायद कल या आने वाले समय में मिले, वहां आप निवेश कीजिए। मैक्सिमम स्टॉक 50 के PE पे ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, HDFC बैंक सबसे पहले दोस्तों, पहले तो टेक्निकल टर्म्स पे बात कर लेते हैं थोड़ा। 1700 के ऊपर टिकने लगा है स्टॉक, भाई साहब 1705 की क्लोजिंग है, 1735 अगर ब्रेक करता है तो रेंज ब्रेक कर देगा, CLSA की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी तेजी आएगी अगर रेंज ब्रेक करता है तो, वन साइडेड तो नहीं आएगी लेकिन हाँ इवेंचुअली फिर स्टॉक आपके लिए उस जर्नी में चला जाएगा। दूसरी बात, MSCI की इमर्जिंग मार्केट में ये शामिल हो सकता है, और अगर हुआ मीन शामिल तो है, वेटेज बढ़ सकता है, काफी लोग ट्रोल करने वाले होते हैं, तुरंत कमेंट करेंगे भाई ऑलरेडी शामिल है, तो मैं ऑलरेडी शामिल है लेकिन वेटेज बढ़ सकता है जिसके चलते बड़े फ्लोज आ सकते हैं, और ऐसा होता है तो फिर बहुत तंगड़ा गेम हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर तो साइड में पड़ा ही है अभी स्टॉक बेचारा, लेट्स सी टेक्निकल टर्म्स काम करते हैं या नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव है मेरा व्यू तो। नेक्स्ट है मजगांव डॉक, खबर आई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कि गवर्नमेंट में सेल सम स्मॉल स्टेक, उसको लेकर अभी तक तो कोई डिटेल नहीं आई है लेकिन कंटिन्यू तेजी बनी हुई है, गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड के लिए ऑर्डर्स भी आते हुए देखे आपने वीकेंड और आज दिन के दौरान। मजगांव डॉक के लिए कोई खबर नहीं थी लेकिन जब पूरा स्पेस चल रहा है तो मजगांव डॉक कैसे पीछे रह सकता है, जिसके पास भी है 4200 का छोटा स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं, और अगर आप डीप स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 3900 का निकल के आएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो IEX, भैया मुबारक हो सबसे पहले तो आप सभी को, ये स्टॉक हमने आपके साथ 145 से पिक किया, सारे टारगेट डन हुए एक्सेप्ट 195, जिसको लेकर मैंने 180 के करीब काफी वीडियोस बनाई कि बेच मत देना गलती से भी, 195 भी आएगा और उसके बाद
फ्रेश राउंड ऑफ रैली स्टार्ट होने की संभावना बनेगी जो 220 तक लेके जाएगी। आईएक्स कमाल कर रहा है, 190 ऑलरेडी हो चुका है। जब तक मार्केट कपलिंग की खबर को लेकर कोई खबर ना आ जाए ये स्टॉक बेचना ही नहीं है। बस मार्केट कपलिंग की खबर को लेकर अगर कोई खबर आती है तभी एग्जिट करना है, क्योंकि वो बेहद नेगेटिव खबर है, कारोबार पे डेंट मारने वाली खबर है। लेकिन जब तक वो खबर नहीं आती है होल्ड करना है, दैट्स इट। अगला स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर। जैसा कि मैंने कहा कि गार्डन रीच के लिए ऑर्डर आते हुए देखे जिसके दम पर चला है, स्टिल होल्ड कीजिए। मजगांव गार्डन रीच और आपका ये कोचिन शिपयार्ड अलग ही रैली कर रहे हैं, जब तक प्रीवियस लोस को ब्रेक ना करें तब तक तो हमें होल्ड ही करना चाहिए, ये हमें पहले से ही सिखाया गया है। इंडिया सीमेंट आज गिरावट थी तो कुछ लोगों के कमेंट थे, दोस्त बहुत तेज भागा है, बहुत ज़्यादा भागा है, एक डील के चलते भागा है, तो मेरे हिसाब से इसमें मैं कमेंट करूंगा वो काफ़ी गलत हो जाएगा। मोमेंटम में बना हुआ है, फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से इस भाव पे नहीं बनती है। हमने आपके साथ 200 रुपये पर डिस्कस किया था तो लोगों ने समझा नहीं, परखा नहीं, ट्रोल किया। आज ये दो स्टॉक 283 खड़ा है, आप स्टॉप लॉस भी नहीं आएगा कोई नियर बाय, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा स्पाइक देखा है आपने, तो है अपने हिसाब से अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगाइए, और नहीं है तो आई थिंक फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है इस भाव पे। नेक्स्ट है CDSL। तो दमदार तेजी के बाद स्टॉक में आज भी एक और रैली बनी है लगभग 2.5% के करीब की। मेरा मानना है कि ये स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी कंपनी है, होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। टेक्निकल टर्म्स पे फ्रेश राउंड ऑफ रैली स्टार्ट हुई है, लेट्स सी कहां तक जाती है। जब कंसोलिडेशन में जाएगा स्टॉक, साइडवे होगा, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल, कंटिन्यू गिरता जा रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में कहां तक की गिरावट हो सकती है ये आपका हो सकता है सवाल होगा। 591 पे ट्रेड कर रहा है, 14 के पी पे। टेक्निकल टर्म्स पे मेरे को एक सपोर्ट दिखता है 520 के समथिंग, उससे पहले एक छोटा स्टॉप लॉस अगर निकालना है कोशिश करें तो 560 पे भी है, बट मेरे हिसाब से 520 आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोचें, अच्छा विकल्प बनेगा 520 रुपए करीब खरीदारी के लिए। अगला स्टॉक अपना है इस समय JBM ऑटो, जो कि लास्ट स्टॉक है। JBM ऑटो की बात की जाए तो आज एक अचानक से शार्प तेजी बनते हुए देखिए हमने दिन के दौरान। स्टॉक मॉर्निंग में 1 बजे तक एकदम नॉर्मल था, 2080 रुपए करीब, अचानक से वॉल्यूम्स आते हैं, तेजी आते हैं, 2200 हो गया शेयर। वैल्यूएशन शुरू से महंगे रहे हैं लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, स्टिल होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।